मैं रॉयल डायमंड हूं, मैंने 5 करोड़ कमाए, 4.5 करोड़ कमाए, पर उसके पीछे की दिक्कतें, इनकी तकलीफ, इनकी पीड़ा अगर आपको दिखे तो मालूम चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की। लेकिन आज वो पीड़ा, वो मेहनत सब सुख में बदल चुकी है, वो सब स्वीट मेमोरी बन चुकी है, अंडरस्टैंड। और आज आपको एक और काम की बात बताता हूं, आप लोगों के पास जाते हो, लोग मना कर देते हैं, हाँ ना, क्या वो लोग आपसे कन्वेंस नहीं होते? क्या आपको लगता है उन्हें आपका प्लान समझ नहीं आता? क्या आपको लगता है उन्हें आपके प्रोडक्ट समझ में नहीं आते? क्या आपको लगता है उन्हें महिपाल सर की, अनुज शर्मा की, अमित दुबे की, मर्जी जगवार समझ नहीं आती? क्या वो अंधे हैं? क्या वो मूर्ख हैं? सब्जी का ठेला लगा लेगा साला, 14,000 हमें नहीं दे। हमारे प्रोडक्ट खरीद के हमारे साथ नहीं आएगा, पान की दुकान चला लेगा लेकिन हमारे साथ नहीं आएगा, 25-30 हज़ार की नौकरी करके पूरी जिंदगी सरूप मारता रहेगा, बॉस बॉस करता रहेगा, लेकिन मालिक बनने हमारे साथ नहीं आएगा। आपको मालूम है क्यों नहीं आता? ये राज मैं आपको बताता हूं, आप लोग यहां पर मालूम है क्यों हो? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। मैं नहीं कहता कल आप कामयाब हो गए या नहीं हो गए, मैं नहीं कहता सक्सेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मैं ये कह सकता हूं कि आप इस धरती माँ पे जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, हकीकत में आप एक सबूत हो। ये बात मैंने क्यों कही? आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, चने के पेड़ पे चढ़ाने के लिए नहीं की, मुझे ये बात कहने के लिए मजबूर किया कि आपने एसएलपीएस परिवार को ज्वाइन किया। अब एसएलपीएस परिवार को ज्वाइन कौन करता मालूम है? जिसके मन में पीड़ा होती हो, अपने परिवार की दुखी कंडीशन देखकर, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर, अपने माँ बाप के दुख देखकर, अपने बच्चों की परेशानी देखकर, अपने बीवी की परेशानी देखकर, अपना घर देखकर, अच्छा घर बनाना चाहता है, अच्छी गाड़ी लेना चाहता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, बीवी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। आप सबने अगर यहाँ हिम्मत की है, मुझे पूरा भरोसा है, किसी अपलाइन के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए की है, इसलिए मैंने आपको मान लिया। कम से कम आप में जज्बा तो है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, जज्बा तो है खुद कर गुजरने का। अरे आपने कम से कम हिम्मत तो की, अपनी मर्दानगी तो साबित की, अपने आप को तैयार तो किया कि हाँ मैं कुछ करूंगा, कल कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे मालूम नहीं। अब लेकिन जिन लोगों के पास आप जाते हो, सब देखते हैं, पैसे भी होते हैं, दे भी सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मना करते हैं मालूम है क्यों? वो सारे निकम्मे होते हैं। मुझे समझाओ, उन्हें चेक नहीं दिखता, बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखती, जगवार गाड़ी नहीं दिखती, महिपाल का, कुणाल का, शिव कुमार का, अमित दुबे का बैकग्राउंड नहीं दिखता, अनुज शर्मा नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता, क्या समझ में नहीं आता उन्हें? पर वो मालूम है उनके अंदर इंसान नहीं राक्षस बसता है, उनका दिल नहीं पत्थर होता है, उन्हें ना माँ के दर्द से दर्द होता, ना बीवी के दर्द से दर्द होता, ना बच्चों के दर्द से दर्द होता, ना खुद के दर्द से दर्द होता, ना समाज के दर्द से दर्द होता, उन्हें तो मेहनत करने में दर्द होता है, इसलिए आपके साथ ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो निकम्मे और नाम मरने सारे नाम है। निकलते हो और सामने वाला मना कर देता है, नहीं समझता, तो ये सोचना कि ये नामर्द है, इसकी जरूरत ही नहीं, मर्द ढूंढ अपने जैसा, मर्दों की जरूरत है। भाषण आ रही है? Yes. इसलिए लोग कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए इस शरीर को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने शरीर को दुखी देना दुख देना नहीं चाहते। टाइम से टीवी और टाइम से बीवी चाहिए। आखिरी मेरा मेन मैसेज है, अगर आपकी समझ में आ गया तो यहां से बाहर निकल के ठप्पा लगा देना रॉयल डायमंड का, कोई माइकल आर रोक नहीं पाएगा।
है, मोटरसाइकिल में तेल चाहिए होता है, या कहीं आने जाने के लिए किराया भाड़ा चाहिए होता है, कहीं रुकने के लिए होटल का धर्मशाला का पैसा चाहिए होता है, खाने के लिए पैसा चाहिए होता है, आया ना? Yes or no? और जब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें कॉर्पोरेट फील नहीं ले आता, वो उसे कॉर्पोरेट फीलिंग नहीं देते, इसे पता नहीं कौन सा धंधा समझते हैं, वो इसे बिजनेस नहीं समझते, इसे धंधा नहीं समझते, वो सोचते हैं पता नहीं है तुम बस ऐसे बिजनेस है। और उनसे पूछो भाई काम कर ले, बोला सर चेक आएगा तभी तो करूंगा, और मैं बोलता हूँ जब कुछ करेगा तभी तो चेक। मैं सिर्फ आप सभी लोग समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं। 5 करोड़ रुपए 5 साल में कमाने के लिए अगर बाजार का कोई बिजनेस करोगे तो कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मेरा ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढ लेना। 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा ये आप बाजार में जाके पता करो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं जिससे 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमा लूं। इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस में करनी पड़ती है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं कम और कहीं ज्यादा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विडंबना यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, सब सोचते मुफ्त में आने दो, मुफ्त में आने दो, मुफ्त में आने दो, नहीं आएगा। पैसे ना होने की वजह से लोग सेमिनार बंद कर देते हैं, पैसे ना होने की वजह से लोग टूरिंग बंद कर देते हैं, पैसे ना होने की वजह से लोग आना जाना बंद कर देते हैं, फोन करना बंद कर देते हैं, और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी विडंबना है। आज बाजार में आप 10 करोड़ रुपए लगाओगे ना सर, तो 4 लाख महीने का किराया आएगा, जाके बाजार में पता कर लो। इसका मतलब इंसान बाजार का इंसान, बाजार का बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में फर्क देखो। बाजार का बिजनेसमैन 100 करोड़ रुपए का होटल बनाता है, 4 से 5 साल बनाने में लगाता है, फिर जो 100 करोड़ लगाए हैं 25 साल उसे कमाने में लगाता है, उसके बाद भी सोचता है ये प्रॉफिट का बिजनेस। इसके बाद भी कहता है ये प्रॉफिट का बिजनेस है, 25 साल बाद खुद के लगाए हुए 100 करोड़ रुपए 25 साल बाद प्रॉफिट देते हैं, वो बोलता है मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं दुनिया का सबसे समझदार बिजनेसमैन हूं। अब ये सोचो कितना जिगर रखता है, कितनी लंबी समझ रखता है और कितनी लंबी सोच रखता है। लोग 100 करोड़, अगर आप एक शोरूम खोलोगे 1 करोड़ का, तो महीने का मुश्किल से आपको 2 लाख रुपए कमा के देगा, साल का 24 लाख, 5 साल में 1 करोड़ रुपए वापिस आएगा, और 5 साल बाद आप 2 लाख महीना कमाना शुरू करेंगे। इसका मतलब दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने कसम खा ली कि हम यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे जब तक चेक नहीं आएगा। मैं कहता हूं लगाओगे तो चेक जरूर आएगा। पैसे ना होने की वजह से अगर बिजनेस को रोकते हो तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं सकते। पैसे ना होने की वजह से बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए, चाहे यहां से लेना पड़े चाहे यहां से लेना पड़े। अरे यार पहले दिन से प्रॉफिट है, 1000 का चेक है तो प्रॉफिट, 10000 का चेक है तो प्रॉफिट। नेपाल से पूछो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसके से 1 करोड़ रुपए खर्चा किएगा 4 करोड़ का प्रॉफिट, पहले दिन से प्रॉफिट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लीडर ये नहीं करते, अपने को कहते सर मैं क्या करूं, भाई कुछ मत कर घर बैठा छोड़ दे, नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में मैं बाजार कई बार चुरा हुआ हूं, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, कई बार चुरा हूं। मैंने 12 लाख रुपए अपने पापा से लिए, मगर पापा मैं एक कंपनी में काम करने जा रहा हूं, मैं बीच में एक कंपनी में काम किया था, मुझे 12 महीने के पैसे चाहिए। मेरे पापा ने कहा क्या करेगा, मैंने कहा 3000 रोज के चाहिए होटल के और आने जाने के। 6 महीने में मैं रोज घर से बाहर रहा, 6 महीने घर से बाहर रहा। मेरी वाइफ बोली क्या होगा जी, तो कहा 1 करोड़ होगा जी। मुझे तो घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए बस, मैं जानता हूँ मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों से मुलाकात करके लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, और ये काम खुद से करना चाहिए जिसे खुद पे यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ, और बिजनेस पे यकीन हो कि ये हो सकता है। उस आदमी को पैसे ना होने की वजह से कभी रुकना नहीं चाहिए। जिसे खुद पे यकीन नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, समझना मेरी बात, और बिजनेस पे यकीन नहीं है, हो सकता है वो खुद पे ये काम ना करे।
वो छोड़ दे, लेकिन जिसे यकीन है कि मैं कर सकता हूं और हो सकता है वो करे इन्वेस्टमेंट, करे लगाए दबा के पैसा, क्योंकि यहां मनी माइंडेड से पैसा मत कमाना। यहां हम मनी मेकिंग बिजनेस करने नहीं आए, हम यहां टीम बिल्डिंग बिजनेस करने आए। मैंने ये बात जरूर इसलिए शेयर की, मुझे पता है सबसे बड़ा कारण यह है नेटवर्करों के खत्म होने का, इस कैरियर से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण यह है। मैंने सन 2007-17 अप्रैल में बिजनेस ज्वाइन किया था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैंने 1.5 लाख रुपए फंड निकाला, तीनों चीजें करी थी। मेरी वाइफ बोली ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया जहां आपने 1.5 लाख की पहले दिन इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरा पैन कार्ड नंबर है AVFPK8654C, कोई CAC है तो देखना। मेरी एक साल की कमाई है पहले साल की 1,13,000, 1.5 लाख की बाइक, मोबाइल, लैपटॉप लेके बाजार में निकला। मैंने कहा हथियार ही नहीं होंगे तो जंग कैसे लड़ेगा। आने जाने में 2-3 लाख रुपए खर्चा कर दिया, एक साल में कमाया 1,13,000। वाइफ बोली आबाद करने आए हो या बर्बाद करने आए हो। मैंने कहा रुक रुक, ये बेस बन रहा है, ये नींव डल रही है, ये टीम बन रही है, जब ये टीम बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा। दूसरी साल मेरा खर्चा 4 लाख, कमाई 2,23,000। मेरा फॉर्म 16 निकाल लेना, खुली छूट दे रहा हूं आपको, AVFPK8654C इज माय पैन कार्ड नंबर। 2,23,000 खर्चा 4 लाख, बीवी वो भी पूरा बर्बाद कर दिया। मगर टेंशन मत लो, टीम बन रही है। हर हर महादेव, हर महादेव। मैं पैसे बनाने नहीं आया था, मैं अपनी संतुलन बनाने आया था। एक बार संतुलन बन जाए फिर तो पूरी जिंदगी राज करेंगे। मनी माइंडेड बिजनेस मत करो, टीम बिल्डिंग बिजनेस करो। तीसरे साल की मेरी कमाई, खर्चा 6 लाख, कमाई 36 लाख। चौथे साल की कमाई, खर्चा 10 लाख, कमाई 1 करोड़, और उसके बाद से करोड़ 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 करोड़। अपनी तरफ से होता तो 2 साल में टूट चुका होता। 8-9 लाख लग गया था, घर में 3 लाख आया था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। यह टीम जैसे जैसे बढ़ेगी पैसा अपने आप बढ़ेगा, लेकिन मुझे खुद पे यकीन था और सिस्टम पे, बिजनेस पे यकीन। तो कहने का मतलब ये वो विडंबनाए हैं, यकीन ना होना, शरीर को कष्ट ना देना, इन्वेस्टमेंट ना करना, पॉजिटिव एनर्जी कल किस लिए कर रहा हूं ये ना सोचना, ये वो विडंबनाए जो फेलियर के कारण है जिससे लोग फेल हो जाते हैं। और आज मुझे मजबूरी में मैसेज देना पड़ा क्योंकि मैं लोगों को फेल होते हुए नहीं देखना चाहता। SVPS कंपनी फेलियरों की नहीं, अचीवरों की। अरे SVPS में कोई अचीवर नहीं आया था, SVPS कंपनी में तो तकरीबन कंपनियों के टूटे हुए फेलियर्स आए, तकरीबन फेलियर्स आए। अब जब वो अचीवर्स बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। बात समझ में आई? आप जितने भी यहां फ्रेशर हैं, कितने लोग हैं तो फ्रेशर हैं, कोई रैंक नहीं हुआ, ओके। ब्रॉन्ज कितने लोग हैं? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ओके। सबसे पहले मैं आज मुबारकबाद देता हूं सभी लोगों को जो फ्रेशर है और जो सिल्वर बने, जो ब्रॉन्ज बने, प्लेटिनियम बने, गोल्ड बने, अमराल्ड बने, इस स्टेज पर अमराल्ड बने, टॉपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक बात बताना चाहता हूं, जो भी ब्रॉन्ज बना होगा उसके साथ 3 लोग तो आए होंगे, उसकी बात 3 लोगों ने तो मानी होगी तभी बना होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा रैंक ब्रॉन्ज होता है तो हमारी सोच क्या है, मैं तो अभी ब्रॉन्ज ही हूं, मेरा तो चेकिंग सिर्फ 2500 का ही आया भाई। ऐसे रहता है जैसे मतलब मरा हुआ इंसान। आज एक काम करना,
दिखा देखना और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी कमियों को देखना जो संजीव सर आपको बता के भेजेंगे कि मुझे जो जो बताया गया उसमें क्या क्या कमी मेरे साथ है, और फिर शीशे के सामने देख के बात करना कि यार अगर मेरे कहने से 3 आदमी आ सकते हैं तो 30 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, 3000 भी आ सकते हैं, 30,000 भी आ सकते हैं, 3,00,000 भी आ सकते हैं, 30,00,000 भी आ सकते हैं। बार बार अपने आप से करना, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं होती ना सर तो 3 आदमी भी आपको पैसे नहीं देते। चाहे आता ना ब्रॉन्ज लेवल का 3500 का या सिल्वर लेवल का 4500 का, इसे बंदे क्या करो, आई जी बस 2500 रुपए, ये 4500 रुपए। एक सोच अलग से बदल दे रहा आज कि अगर मैं एसलीपीएस पैलेस से 2500 कमा सकता हूँ तो 25,000 भी कमा सकता हूँ, 25,00,000 भी कमा सकता हूँ और 25 करोड़ भी कमा सकता हूँ। कमाया 2500 मैंने, मुझे किसी ने भीख में नहीं दिया, वो भी मेरी हिम्मत और मेरी मेहनत लेके आई है। तो ये हिम्मत और मेहनत बरकरार रह गई तो मैं भी एक दिन 100 करोड़ भी कमा सकता। और तीसरा सवाल, शीशे में देखना और खुद से बात करना कि जब यार मुझ में कैसी क्या कमी है, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नहीं है जो महिपाल में है, शिव कुमार में है, जब ये कुणाल 4.5 फुट का आदमी कर सकता है। सकल काली हाय छोटी आदमी मोटा, जब ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल मुझे पूछना तो आवाज आएगी कर तो सकता हूँ। सवाल मुझसे पूछना जब 45 किलो का अनुज शर्मा कर सकता है, 45 किलो 45 किलो क्या है, जिस दिन ये बात लोग कहने लग गए ना सर,
और मार लेना, ब्लैंक चेक पे चेक पे मुझसे साइन ले जाना, एक बात करवा दो, किसी से मिलो ना, वो ज्वाइन करे या ना करे, पैसे दे या ना दे, प्रोडक्ट ले या ना ले, पर ये क्या यार आपसे मिलके मजा आ गया। yes. आसन में आ रही है? yes. तो सोच लो आपकी सक्सेस निश्चित। और दोस्तों अल्टीमेट जश्न रॉयल, रॉयल मिना टीम कंपनी की बेस्ट टीम, कंपनी के बेस्ट लीडर भी रॉयल मिना टीम के हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कंपनी टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी जी का, इतने समर्पण इतनी मेहनत से आज कंपनी को इस लेवल पे पहुंचाया। और दूसरा नाम आता है महिपाल जी का, जिन्होंने इतना सहयोग कराया और आज कंपनी कुछ से नहीं बहुत कुछ बन चुकी है। अमित शर्मा का, अमित दुबे का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अचीवरों का। आज रियली हिंदुस्तान में एसएलपीएस के अंदर ज्वाइन करने वालों की लाइन लगी हुई है। रियली ये सब आपकी मेहनत है। मैं तो सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाया था और ये कह रहा था अमित दुबे शादी नहीं हुई, आई लव यू कौन बोलेगा, मैं बोलता हूँ अमित दुबे आई लव यू। और उन सबको आई लव यू जो आज अचीवर बने। और नसीब खान सर बोले थे कि काला पीला, मैं बोलता हूँ यार आपको डार्लिंग में ऐसी देश की ब्लैक ब्यूटी हुआ, ब्लैक ब्यूटी में ऐसी देश है आओ दोस्तों। और अब करता हूँ मैं आखिरी मैसेज, जो मेरी आखिरी इच्छा है इस जीवन में मरने से पहले, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि समाज के देश के लिए कुछ किया जाए। दोस्तों लोग कहते हैं आज भगत सिंह पैदा नहीं होता, आज राजगुरु पैदा नहीं होता, आज चंद्रशेखर पैदा नहीं होता। मैं कहता हूं आज भी होता है, यहां बैठा हर आदमी भगत सिंह बन सकता है, राजगुरु बन सकता है, चंद्रशेखर बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस समाज के लिए कोई भलाई का काम करना पड़ेगा, अपने लोगों के दुख दूर करने का काम करना पड़ेगा, अपने लोगों को किसी अच्छे रास्ते पर चलाने का, कामयाब होने का काम करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ ये सारे भगत सिंह और राजगुरु चंद्रशेखर है, हम वही करेंगे। और नमन है उस नाती को जिसने आपको जन्म दिया है। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, कोई बेवकूफ नहीं बना रहे, लोगों को ठीक कर रहे हैं और उन्हें मौका दे रहे हैं कामयाब होने का, सक्सेस दे रहे हैं, पैसा कमाने का रास्ता दे रहे हैं, अच्छा जीवन जीने का, आनंद से जीवन जीने का आदत दे रहे हैं। यह सब लोग हम चाहें तो हम भी आज भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर बन सकते हैं। हमने बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़नी। मैं कहता हूँ आज अपने देश के सैनिकों से, प्रधानमंत्री से, आप बॉर्डर की चिंता करो, बाहर के दुश्मनों की चिंता करो, ये एसएलपीएस के सारे सिपाही अंदर के दो दुश्मन बेरोजगारी और बीमारी को मिटा के रहे। yes! तो मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है, और चाहे मैं हर बार बोलता हूँ आज भी बोल रहा हूँ, इतना सा भी मत डरना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही जश्न होते रहेंगे। ईमानदारी से सोचना, शायद आपकी जिंदगी अगले 3 साल में बदल जाए।